नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप गुजराती में पूरक वाचन त्रण खीचड़ी पकाऊँ छू एना विषय अभ्यास करीशू। तो बीरबल एनी चतुराई माटे जानी तो छे। अहीं अकबर बीरबल नी एक चतुराई नी कथा आपेली से। बीरबले एनी चतुराई थी अधेखा चौकीदार ने बोधपाठ भणाव्यो, जुवान ने न्याय अपाव्यो अने अकबर नी आँख खोली आपी। तो आमा आगळ जोईशुं। तो शियाळाना दिवसो हता, कड़कड़ती ठंडी पड़ती हती। दरबार में बैठा बैठा अकबर बादशाहना मन में एक विचार आव्यो। तेमणे दरबारीओ ने पूछ्यू के महेलनी पासेना तळाव में आखी रात ठंडा पानी में कोई ऊभो रहे खरु? शियाळानी दिवसो हता तो कड़कती ठंडी खूबज हती, ठंडी खूबज पड़ी हती। अने दरबार में बैठा बैठा अकबर साहेब ने मन में विचार आवे से के ए कहे से, एने पूछ्यू के दरबारीओ ने पूछ्यू के महेलनी पासे तळाव में आखी रात ठंडा पानी में कोई ऊभो रहे खरु? प्रश्न करे से। एक दरबारी बोलियो, नामदार दिल कोरी नाखे एवी ठंडी से, बरफ जेवा ठंडा पानी में ऊभा रहेवानी कोनी साथे चाले? तो खूबज ठंडी से, तो त्या कई रीते ठंडा पानी में ऊभा रहेवानी हिम्मत चाले? कई रीते त्या माणस ऊभो रही सके? उनाळो हो तो कोई एवी हिम्मत करे? जो उनाळो हो तो कोई त्या ऊभी राखवानी हिम्मत करे? त्या बीजे दरबारी बोली उठ्यो, खुदावंत पैसो अजब चीज से, इनाम लालचे कोई जोखम खेलिए खरो? कहसे कि त्या बीजो दरबारी बोली उठ्यो के खुदावंत पैसो अजब चीज से, इनामनी लालचे कोई जोखम खेले खरो? कि इनाम आपवाथी कोई आ जोखम खेले खरो? कि आ जो इनाम आपवाथी कोई व्यक्ति त्या उभो थाय खरो? बादशाहे मोटा इनामनी जाहेरात करी। तो बादशाह इनाम आपवा माटे, जो मोटो इनाम आपवा माटेनी जाहेरात करे छे कि 25 वर्षना एक गरीब नौजुवानने आ इनामनी शरत स्वीकारी, 25 वर्षना एक गरीब नौजुवानने आ इनामनी शरत स्वीकारे से। आथी बादशाहे तळावनी चारे बाजू कड़क चौकी पहेरी उठ्यो, नौजुवान आखी रात ठंडा पानी में ऊभो रह्यो। सवारमां बादशाहे तळाव पासे आवीने जोयुं तो नौजुवान पानी में ऊभो ऊभो प्रार्थना करतो हतो के बादशाह तेने शाबासी आपवा जता हता। त्यां एक अधेखो चौकीदार बोल्यो, हजूर रात्रे में एने तापतो जोयो हतो। एक अधेखो बोली उठे से चौकीदार के, हजूर के रात्रे में एने तापतो जोयो हतो। ए कहे से कि रात्रे एने में तापता जोयो हतो। नौजवान बोली उठ्यो, हूँ तापतो हतो, आवो गोड़ो शा माटे गबड़ावे? ते कहे से कि हूँ तापतो हतो, आवो शा माटे कहे से, आवो शा माटे बोले से? हूँ तो आखी रात पानी में ज हतो, तो पोते एनो साक्षी से। ए कहे से कि हूँ तो आखी रात पानी में ज हतो, तो पोते मारो साक्षी से, एवुं कहे से। चौकीदार बोल्यो, महेलमांथी आवता दीवाना प्रकाश तरफ नजर राखी तू नहतो ऊभो? ए कहे से कि महेलमांथी आवता दीवाना प्रकाश तरफ नजर राखी तू नहतो ऊभो? भोळा जुवाने जवाब आप्यो, हाँ आखी रात ए दीवाना प्रकाश तरफ में नजर राखी हती। अधेखा चौकीदारे कह्युं, त्यारे तने ए दीवानी गरमी मळी खरी ने? कहे से कि तने के ए दीवानी तने गरमी मळी खरी ने? एवुं कहे से। ए गरमी मळी तेथी तो तू जीवतो रह्यो, हजूर आ माणस इनामने लायक नथी। कहे से कि आ माणस इनामनो लायक नथी। नौजवाने इनाम आप्या विना बादशाह त्यांथी चाल्या गया। पसी अहीं नौजवान निराश थई गयो। बीरबल बहार गामथी पासो आव्यो एटले तेनी पासे जईने बनेली वात रजे रज कही। नौजवान निराश थईने बीरबल बहार गामथी पासो आव्यो एटले तेने एनी साथे जे बनेली वात एने
कही। बीरबल नौजवान ने कहूं, पन जान ने जोखम में मुकवानी सी जरूर हती। कहे से कि बीरबल नौजवान ने कहूं, पन तमारे जान ने जोखम मुकवानी जरूर शू हती। नौजवाने कहूं, हूँ गरीब मानस, इनाम मळे तो मारू नसीब खुली जाए। कहे से कि हूँ गरीब मानस छू, जो मने इनाम मळे तो मारू नसीब खुली जाए। बीरबले तेने धीरज राखवानु कही विदाय कर्यो। बीरबल बाहर गाममांथी पासो आव्यो छे एवी खबर बादशाह ने मळी। तेने तरत ज बीरबल ने बोलाववा माटे सिपाही ने मोकल्यो। सिपाहीए बीरबल ने घरे जईने तेना नौकर ने बादशाह ने संदेश कह्यो। बीरबले कहेवराव्यू, अत्यारे हूँ खीचड़ी पकावूँ छू, ए तैयार थाय के खाईने तरत बादशाह पासे आवीश। ए कहे से कि हूँ ए सिपाही ने बोलावा माटे मोकले से, अने ए त्यां सिपाही आवे से ने कहे से के बीरबल तने बादशाही नो संदेश से के तने त्यां बोलायो से। तो ए कहे से के हूँ अत्यारे हूँ खीचड़ी पकावूँ छू, ए तैयार थाय के खाईने तरत बादशाह पासे आवीश एवुं ए कहे से। कलाक पछी सिपाही पासो आव्यो एटले वळी बीरबले बहार आवी तेज संदेशो मोकलाव्यो। वळी कलाक वीत्यो पण बीरबल जणायो नहीं, एटले बादशाह अधीर थया। तेवो मनमां बोल्या, आ ते केवी खीचड़ी के बे कलाके पण चढ़ी नहीं। ए विचार करे से कि आ तो केवी खीचड़ी से कि बे कलाक सुधी थई गई, हजी ए खीचड़ी खाईने आयो नहीं। एवं ए विचारे से, चाल जईने जोऊं तो खरो। ए कहे से कि एक केवी खीचड़ी के बे कलाक सुधी चढ़ी नहीं, हूँ जईने जोऊं तो खरो। एवं ए विचारे से बादशाह पोते बे चार सरदारों अने सिपाही साथे बीरबल ने त्यां आव्या। बीरबल उतावड़ो उतावड़ो बहार आव्यो ने बोल्यो, नामदार कहूँ तो भूख्यो आवो। कहे से के पण खीचड़ी हजी चढ़ी नथी, खातरी थती न होय तो चालो जाते जुओ। ए कहे से के खीचड़ी हजी चढ़ी नथी, जो नामदार तो कहो तो भूख्यो आवो। आ पण खीचड़ी हजी चढ़ी नथी, खातरी नथी तो होय तो चालो जाते जुओ। एना पछी बादशाह ने हसू आव्यो। ते घरना वाड़ा में आव्या, तेमने त्यां जे जोयू ते थी तेवो आश्चर्य में डूबी गया। तेवो विचार में पड़ी गया कि त्रण वास ने जमीन पर उभा राखी ने ए त्रणे ने मथाड़े एक साथे बांध्या हता, अने बांधेला वासनी अधवच एक हांडली टांगी हती, ने नीचे जमीन पर चूलो सळगाव्यो हतो। चूला पासे पाटला पर बेसी बीरबले लाकड़ाना नाना टुकड़ा चूलामा नाख्या अने भूंगड़ी थी भड़को कर्यो। पसी तेने हांगली तरफ जोयु ने त्यां जईने ए जुए से के कई रीते ए त्यां खीचड़ी पकावे से। ए बादशाह ने हसू आवी गयु। तेमने बीरबल ने कह्यु, बीरबल तू तो बेवकूफ से, तारो मगज ठेकाने से के नहीं, ते आ शू मांड्यु से, आ चूलानो ताप ऊंचे हांडली ने केवी रीते पहुँचे, आम तो तारी खीचड़ी 7 दिवस पण चढ़े नहीं। ए कहे से बादशाह ने हसू आवे से, अने कहे से बीरबल ने के बीरबल तू मूर्ख से, बेवकूफ से, तारू मगज ठेकाने से के नहीं, ते आज मा आ शू मांड्यु से, आ शू कर्यु से, आ चूलानो ताप ऊंचे हांडली ने केवी रीते पहुँचे, आम तो तारी खीचड़ी 7 दिवसे पण नहीं चढ़े। एवं कहे से बीरबले वड़ी भूंगड़ी थी भड़को कर्यु अने ते बोल्यो, नामदार आप भले मने दायो न गणो, मने आशा से कि खीचड़ी चढ़से, मने सफलता मळशे। बादशाहे कह्यु, बीरबल मने तारी बात समझाती नथी, तारा मन में शू से झट कही दे। कहे से के बीरबल मने तारी बात समझाती नथी, तारा मन में शू से मने झट कही दे। बीरबल बोल्यो, दूरथी महिला नाना दीवानी गर्मी नौजुवान ने मळी, अने तेथी ते जीवी गयो। दीवो तो दूर हतो, पण
आ छोलो हांडलीना नजीक से मारी खिचड़ी जरूर रंधा से। पसी बीरबले अनदेखा सिपाही तरफ जोई कहूं, आने पूछो ये जरूर कहे से कि खिचड़ी रंधा से। अदेखा सिपाही नु मुँह पड़ी गयु, ते नीचू माथो करी उभो रहियो ने बादशाहे बीजा सिपाही ने कहूं, पेलो नव जुवान ने महल में आवानु कही आ, तेने कहेजे कि तारू इनाम तने मळशे। एना पछी शब्द समझूती से ए जोईशुं, तो एमां पेलू से शब्द समझूती में अदेखू एटले कि बीजानी सारी स्थिति देखी न खमता थतो द्रेस, नसीब एटले कि भाग्य किस्मत, अधीरा एटले कि उतावड़ा, चूलू एटले कि रांधवा माटे बढ़तण, गोठववा कराती जगह के गोठवण, ढूंगड़ी एटले कि चूला में अग्नि पेटववा माटेनी फूकणी, पोलीनड़ी અને હાંડલી એટલે કે પહોળા મોનું માટીનું એક વાસણ, બેવકૂફ એટલે કે મૂર્ખ। હવે એના પછી રૂઢિ પ્રયોગ છે એ જોઈશું, તો રૂઢિ પ્રયોગમાં દિલ કોરી નાખે એવું એટલે કે સખત પુષ્કળ, અને સાતી ચાલવી એટલે કે હિંમત હોવી, મો પડી જવું એટલે કે શરમિંદુ થઈ જવું, અને નીચું માથું કરવું એટલે કે શરમથી નીચે જોવું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આગળનો અભ્યાસ બીજા વિડીયોમાં જોઈશું। થેન્ક યુ।